हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास में स्टार्ट करेंगे एडिशन। फ्रैक्शंस वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, उस फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आज हम आपको सिखाने वाले हैं फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। इस वीडियो में आपको फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाएंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एलसीएम की, इसकी जरूरत पड़ेगी एलसीएम। और एलसीएम निकालना आप पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, वो आपको दोबारा सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आते हैं एलसीएम तो आप पिछले वीडियो को देखिए, उसमें एलसीएम जो निकालना सिखाया गया है, कॉमन डिवीजन मेथड। बेसिकली हम एलसीएम का जो मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, वो कॉमन डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो आप अगर एलसीएम नहीं जानते हैं तो कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना वीडियो में हम सिखा चुके हैं, आप उस वीडियो को एक बार फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमारे पास दो स्थितियां बनेंगी। एक फर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं जिनको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं, सेम जैसे कि यहाँ पर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है। ये फ्रैक्शन है 1/2, ये फ्रैक्शन है 3/2। हमको ऐड करना है इसको, तो बीच में प्लस का साइन लगाते हैं ऐड करने के लिए। ये जो फ्रैक्शन हमें ऐड करना है इसमें डिनोमिनेटर सेम है, कंडीशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम वाले क्वेश्चन आपको करना सिखाएंगे, उसके बाद दूसरी कंडीशन पे बात करेंगे। तो अभी देखिए कि जब ये डिनोमिनेटर सेम है तब क्या करते हैं, इसका और इसका फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम जो हमको करना होता है ऐड करने के लिए, ये जो डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसका हमको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। जब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, 2 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सेम नंबर आता है, तो हमें अलग से एलसीएम निकालने की ऐसे केस में जरूरत नहीं है। अलग से निकालने की जरूरत हमें कब पड़ेगी? जब ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो अभी तो सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप सीधे लिखेंगे, ये लाइन नीचे खींचेंगे और ये 2 और 2, इसका एलसीएम आएगा 2, तो यहां 2 हम लिख देंगे। ये फर्स्ट स्टेप का काम हुआ। इसके बाद करना क्या है, इस डिनोमिनेटर से फर्स्ट यहां से चलेंगे, इससे इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना भी आप जानते हैं, 2 से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा। कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम। और जितने टाइम वो डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर के साथ कर देंगे। तो 1 टाइम डिवाइड हुआ, 2 से 2 को डिवाइड किया कितने बार? 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई हमने इस न्यूमरेटर में किया, न्यूमरेटर ऊपर है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आया हमारे पास। अब हम लिख देंगे यहां पर 1, बीच में साइन प्लस का लगाएंगे। सेम प्रोसेस फिर इसके साथ भी वही करना क्या है, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा और जितने टाइम डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर के साथ करते हैं। तो 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर 3 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 3, तो ये आ गया यहाँ पर 3। ये हमारी प्रोसेस यहाँ पर पूरी हो गई। इसके बाद हमको क्या करना होता है, इक्वल का साइन लगाइए आप और इसको ऐड करिए। 1 और 3 को ऐड करेंगे आएगा 4, और 4 के नीचे लिखेंगे हम ये एलसीएम, तो आंसर हमारे पास आया 4/2। अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे।
टू से ये टू भी डिवाइड हो जाएगा और टू से ये फोर भी डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास आंसर टू। तो इस तरीके से आपने देखा कि वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू का जो आंसर आया वो आया टू। सेम सिंपल प्रोसेस, कोई खास बात नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने और क्लियरिटी आ जाएगी। वन अपॉन फोर प्लस सेवन अपॉन फोर, अभी मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जिनमें डिनोमिनेटर सेम है। फर्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, इस फोर और इस फोर का एलसीएम निकालेंगे, फोर ही आएगा फोर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस फोर से इस फोर को डिवाइड करेंगे, वन टाइम डिवाइड होगा, वन का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर के साथ करेंगे, तो वन का मल्टीप्लाई वन में करा तो आया हमारे पास वन प्लस। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे फोर को, वन टाइम डिवाइड होगा, वन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर सेवन के साथ करेंगे, सेवन आएगा, सेवन लिखा, इसके बाद इक्वल का साइन, इसको और इसको ऐड करेंगे, एट आएगा और नीचे एलसीएम। रिड्यूस हो सकता है, दोनों नंबर फोर से डिवाइड हो जाएंगे, तो फोर से ये वन टाइम डिवाइड हुआ, वन नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, ऊपर डिवाइड हुआ टू टाइम्स, तो ये आया हमारे पास आंसर टू। अगर नीचे वन आ रहा है तो वन को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिखा कि टू अपॉन वन, टू अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं है, वन नीचे आ रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से आपका काम चलेगा, यही आंसर आया टू, यही लिखना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये है हमारे पास 3 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 7, फिर वही काम, डिनोमिनेटर 7, यहां पर भी डिनोमिनेटर 7, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा 7, इस 7 से इस 7 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम डिवाइड होगा और वन का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर के साथ करेंगे, 3 आएगा, 3 प्लस इस सेवन से इस सेवन को डिवाइड करेंगे, वन टाइम डिवाइड होगा, वन का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर फाइव के साथ करेंगे, फाइव आएगा, इसके बाद फाइव प्लस थ्री एट, एट अपॉन सेवन, आंसर हमारे पास आया एट अपॉन सेवन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नाइन अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन फाइव, सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर सेम है, फाइव फाइव, एलसीएम भी आएगा फाइव, फाइव से फाइव को डिवाइड करेंगे, वन टाइम डिवाइड होगा, वन का मल्टीप्लाई नाइन के साथ करेंगे, नाइन आएगा, प्लस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 आएगा, 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 5, ये आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ये क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन का है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया मैंने। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है तो हम पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, हम पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने सिखा दिया आपको, एक बार फिर देख लीजिए आप। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे आएगा 2, और 2 के साथ जो मल्टीप्लाई करके आया 2, उस 2 के साथ ये 3 ऐड करेंगे, ये 3 ऐड करेंगे तो आएगा 5/2 प्लस सेम हियर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करके जो 4 आया उस 4 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो 5 आया, 5/2। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ऐड कर सकते हैं, ये और ये डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आया 2, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, डिवाइड करके 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया 5 आया प्लस सेम 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 में किया 5 आया, 5+5 ऐड करके 10 आया, 10/2 आंसर आया। ये रिड्यूस हो जाएगा, दोनों नंबर्स 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 3 complete 1/4 प्लस 1 complete 3/4, दोनों फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको हमें ऐड करना है। तो हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो चेंज करना आप जानते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 multiply by 3 is equal to 12, 12 का ये जो मल्टीप्ल करके 12 आया इसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 13/4। तो ये 3 complete 1/4 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था ये चेंज हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ 13/4 प्लस सेम इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा 4, और जो 4 आया मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करेंगे तो आएगा 7, तो ये आया 7/4। तो ये 1 complete 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना 7/4। देखिए अब हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इनको ऐड कर सकते हैं इजीली, डिनोमिनेटर सेम है 4 4, तो एलसीएम आएगा आपके पास 4। अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो 13 आएगा। ये सब आप जानते हैं, कैलकुलेशन इतनी आपको आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे 7 आएगा। अब 13 और 7 को आप ऐड करेंगे 20 आएगा, और ये आएगा 20/4। ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है तो हम डिवाइड कर देंगे 4 से और आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। 5/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं नीचे 1 आएगा, जब नीचे 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप केवल 5 लिखेंगे, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 5। इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं, ये एडिशन जो मैंने आपको अभी सिखाया है ये केवल वो एडिशन है जिनमें डिनोमिनेटर सेम था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि
अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब कैसे ऐड करते हैं, ठीक है।